चलिए नजर डालते हैं इस वक्त न्यूज प्राइम 24 की कुछ खास खबरों पर। बिहार सरकार का हैरान करने वाली फैसला, सजा के बदले प्रमोशन। अररिया कृषि पदाधिकारी मनोज कुमार को बनाया गया उप निर्देशक। चौकीदार से उठक बैठक कराने वाले को सजा के बदले मिला प्रमोशन, जबकि एएसआई को किया गया निलंबित। बिहार में लॉकडाउन से नहीं मिलेगी छूट, दुकानों को खोलने के मूड में नहीं है सरकार। समस्तीपुर के उजियारपुर वार्ड नंबर 10 में देर रात लगी भीषण आग में 40 घर जलकर राख, फायर ब्रिगेड की टीम आग पर पाया काबू। बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 251। पटना के खाजपुरा की तीनों गलियों को किया गया पूरी तरह सील, पिकअप से ले जाया जा रहा राहत सामग्री। बिहटा में इतवारी छठ पूजा को लेकर उमड़ी भीड़, बाजारों में सोशल डिस्टेंस की उड़ाई जा रही धजियां। अरवल जिले के कुर्था के सिमुआरा गांव में गुड़गांव से आया 35 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर निकला कोरोना पॉजिटिव। नवादा जिले के गोविंदपुर प्रखंड मुख्यालय में राशन कार्ड बनाने के लिए सैकड़ों महिला परेशान। नवादा जिला अधिकारी के आदेश पर एनडीआरएफ की टीम गोविंदपुर प्रखंड मुख्यालय सहित सभी गांवों को युद्ध स्तर पर कर रहा सैनिटाइज। नवादा जिले के रजौली टोपा पहाड़ी ललकी माइंस पर एसटीएफ एवं वन विभाग ने किया छापेमारी, 7 बाइक, 1 शक्तिमान, 2 खनन माफिया गिरफ्तार। नवादा के रजौली में सिविल सर्जन ने लिया नवजात गहन चिकित्सा इकाई का जायजा। नवादा के पकरी बरावा में लॉकडाउन एवं सोशल डिस्टेंस की उड़ाई जा रही धजियां, सोशल डिस्टेंस का पालन करवाने में पुलिस नाकाम। नवादा के सीतामढ़ी थाना के 2 पुलिसकर्मी निलंबित, वाहनों से अवैध वसूली के आरोप में एएसआई रामाधार जादव और सिपाही भूपेंद्र जादव को एसपी ने किया निलंबित, भेजा जेल।